कानून और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के तहत तकरार तबादले होंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि दूसरी तरजीह दहशतगर्दी की लहर से सूबे को महफूज बनाना है, तीसरी तरजीह जराइम की शरह में कमी और पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाना है। कानून की हुक्मरानी, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो लाहौर में गैंग्स चले फिरते हैं या बाकी शहरों में बदमाशी मचाई हुई है उसको ख़त्म करना, और बदमाशी का जो जिसके आगे लोग अगर परेशान हैं तो उसको रोकना पुलिस का काम है। कोई भी सियासी जमात है, एहतजाज उसका हक होता है। जहाँ तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये करती हैं हमेशा। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आया हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी, और वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, और वो इसमें यहां तक कि जब वो कहेंगे पोस्टिंग ट्रांसफर बंद है तो बंद हो जाती हैं। यहां तक कि आपको पता है निचले लेवल तक बंद हो जाती हैं, हमने पहले भी इलेक्शंस यहां पर देखे हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी एंश्योर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एंड वी विल एंश्योर दैट कोई चीज भी कानून और हुक्मरानी की हुक्मरानी से बालातर नहीं होगी। पुलिस एक सबसर्वियंट महकमा है।